नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आईएनडी टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत तेलंगाना के तकरीबन सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार से सभी वाकिफ तो हैं ही, लेकिन शहर हैदराबाद में वाक़ बच्चों का शोहरत याफ्ता नीलोफर का सरकारी दवाखाने का तो अंदाज ही निराला निकला है। अरसे दराज से इस दवाखाने की सैकड़ों शिकायतों के चलते अभी भी ये दवाखाना अपनी पुरानी रविश पर ही चल रहा है। ताज़ा खबरों के मुताबिक दवाखाने के डॉक्टर्स की लापरवाही की एक और मिसाल मिली है कि जियागुड़े के श्री साई नगर के रहने वाली एक फैमिली ने अपने 11 माह के मासूम बच्चे को पेशाब के कुछ आर्जे की शिकायत के पेश नज़र दवाखाने में शरीक करवाया। डॉक्टर्स ने बाद चेकिंग के तयकुन दिया कि एक छोटे से ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए इतनी देर लगा दी गई कि उस मासूम ने बिलाखर दम तोड़ दिया है। उसके वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि अगर ऑपरेशन वक्त पर हो जाता तो शायद वो मासूम बच्चा बच सकता था। वाज़े हो कि एक डॉक्टर की जिम्मेदारी समाजी खिदमत होती है, लेकिन आज के डॉक्टर्स की आँखों के सामने सिर्फ अपने ख़ानदान और अपनी तनख्वाहों के अलावा कुछ और रहता ही नहीं है। सभी को, मेरा नाम राहुल है, ये हमारे भाई का बेटा है। हम लोग छोटी सी प्रॉब्लम के लिए बच्चे को लाए थे यहाँ पर हॉस्पिटल में। उनको ज़रा उनका वॉशरूम करने रुक रुक के आ रहा था, तो हम सिर्फ जस्ट प्रॉब्लम है बोल के आए, तो डॉक्टर साहब को बताए। डॉक्टर साहब बोले बच्चे का वॉशरूम करने का वोल छोटा है, तो हमने बोला वॉशरूम करने का वोल छोटा है, तो हमने बोला तो हम क्या करें। डॉक्टर साहब बोले तो उन्हें छोटा सा ऑपरेशन है 2-4 मिनट का, तो कर देंगे बोल के बोले। तो दो हम मंडे आए, क्या बोलते सैटरडे आए थे। सैटरडे आए जब ऑपरेशन करते बोले, फिर इमरजेंसी केसेस ज़्यादा थे तो डॉक्टर साहब ने डिले कर दिया। फिर आज का टाइम दिया था डॉक्टर साहब ने, कल एडमिट हो बोले, हम कल एडमिट हो गए। आज आए तो आज दोपहर में इनका ऑपरेशन करने गए थे। ऑपरेशन करने के बाद बच्चे को ठीक होएगा बोले तो ब्लड आ रहा था, बच्चे के नाक में से ब्लड और कान में से ब्लड आ रहा था। पता नहीं ऑपरेशन में क्या सक्सेस करे या नहीं करे डॉक्टर साहब ने, पर बच्चा मेरा आपका सपोर्ट चाहिए हमें, क्योंकि ये बच्चा गलती से मरा है डॉक्टरों के, ऐसे दोबारा दूसरों के साथ ना होना चाहिए। इसीलिए अपने आपसे प्रार्थना है कि सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम साहिल है, माता पिता का नाम गौतम और सुनीता है। हम यहाँ पर जियाबुड़े से रहने वाले हैं। एज क्या है बच्चे की? बच्चे 11 महीने का है, नेक्स्ट मंथ में उसका बर्थडे था 21 को, पर बच्चे डॉक्टर के लापरवाही से बच्चे की मौत हो चुकी है। आप लोग कब एडमिट करें? हम लोग इसको कल सुबह एडमिट करे थे इसको, बच्चे को, फिर ये डॉक्टर के लापरवाही से बच्चे का मौत हो चुकी है। अभी क्या चाह रहे हैं? कंप्लेंट करें आप लोग? हमने डॉक्टर साहब से कंप्लेंट किया है कि किस कारण से बच्चा मरा है, पर वो कुछ बता नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। 3 घंटे तक बच्चे को कुछ नहीं हुआ बोल के बोले, पर बच्चे को जब ब्लीडिंग हुई डॉक्टर को बोलने लगे हम, डॉक्टर साहब बच्चे को ब्लीडिंग हुए, पर डॉक्टर बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ENT हॉस्पिटल में लेके जाओ बच्चे को बोल के बोले। ऐसे कोई बोलता है क्या? इमरजेंसी केस है, ऑपरेशन कर चुके हैं, उसके बाद वो लोग ENT को लेके जाओ बोल सकते हैं। ऐसी लापरवाही किसी और के साथ ना हो जाए, यही हमारा आपसे कहना है।